अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम फ्राम शिकलर फ्लास। सुबह खैर, ये है सुबह का टाइम और आपको मैं दिखा रही हूँ अपने प्यारे प्यारे मिठू काकटेल बचीज एंड पिजन्स। और हमारे पिजन्स ने दे दिया है अंडा, और कुछ दिनों बाद जो इनका बेबी है वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये है 5 AM का टाइम, और आपको मैं सुबह सुबह की ज़रा सैर करवाती हूँ अपने गार्डन की। गार्डन तो इतना अच्छा नहीं है जिस तरह लोग करते हैं, लेकिन जो हो सका वो करती। और आजकल ज़रा बारिशें हो रही हैं, और बारिशों के बाद जो पौधे हैं वो ज़रा निकल गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और सुबह सुबह की ताज़ा और ठंडी हवा है, और मौसम भी आज खुशगवार है। और ये जो पौधे हैं ये बारिश की वजह से ज़रा ज़्यादा निकल गए हैं। इनकी उस तरीके से केयर तो नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की कुदरत। ज़ाहिर है मैंने जॉब पे जाना होता है, साथ बच्चों को संभालना होता है, और ये इतने लंबे चौड़े काम जो है ज़रा मुश्किल होते हैं। लेकिन ये देखें, बारिश की वजह से बहुत ही प्यारा सा निखार आ गया पौधों पे, बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं। काकटेल की सिंगिंग सुने ज़रा। और जी, सुबह के टाइम जो, चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और मुसलमान हैं, और हमारे इधर खुली आज़ादी है, मस्जिद में जो बच्चे हैं वो नर्सरी पढ़ रहे हैं, उसकी भी आवाज़ आपको साथ साथ आएगी। ये मेरे घर का बैकयार्ड है, और यहाँ पे भी कुछ पौधे लगाए गए हैं। इस पौधे से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, और ये साथ खजूर का है दरख्त। आगे अमरूद के पौधे भी लगाए गए हैं। ये गार्डन अभी तैयार नहीं है, वैसे ज़मीन पड़ी है, इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे। ये एक छोटा सा अमरूद का पौधा लगाया है, ये छाँव वाला दरख्त के, ये भी अमरूद। ये देखें, और ये बारिश की वजह से जो इन पे निखार आया है माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, वो ज़बरदस्त है। ये देखें, ये अमरूद हैं प्यारे से लगे हुए, और ये जब इन्होंने पकना है तो ये पूरा जो पौधा है अमरूद से भर जाता है। ये लेमन भी हैं, बिल्कुल नेचुरल व्यू है। और चूँकि हम तकरीबन गाँव में रहते हैं, और साथ ये देखे लेमन है, और ज़बरदस्त से लेमन लग रही हैं। अभी ये भी कच्चे हैं, पके नहीं हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं। साथ आपको मुर्गियों की आवाज़ें और चिड़ियों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें भी आएंगी। बहुत ही सुहानी सी एक सुबह। डाल लग रहा है।
ये पाल लो ना, चप चप पाल लो तुम। हाँ Oh!